बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अर्शद शरीफ केस के हवाले से कुछ अपडेट्स इस वक्त सामने आई हैं। खून आलूद सीट पर अर्शद शरीफ के बाल, गोलियों की टाइमिंग और आईफोन, ये मुतजाद दावे और तहकीकात से जुड़े अहम तरीन सवालात पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाये की है। अर्शद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से नैरोबी रवानगी के हवाले से भी बाज मुतजाद खबरें और नई बातें सामने आई हैं, जबकि तहकीकाती टीम की पीटीआई रहनुमा मुराद सईद से पूछगछ की खबर भी सामने आई है। तो इन तमाम बातों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मुराद सईद के हवाले से आपको बताते हैं कि सहाफ़ी अर्शद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई तहकीकाती टीम ने मंगल को पीटीआई रहनुमा मुराद सईद और केस से मुतालिक एक वकील से पेशकश की है। खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम के करीबी जराए का कहना है कि पीटीआई रहनुमा और वकील को बयानात और जिरा के लिए बुलाया गया। मुराद सईद को अर्शद शरीफ के कत्ल से मुतालिक सबूत होने के दावों की वजह से बुलाया गया है। नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद ने दावा किया था कि उनके पास इस बारे में तमाम सबूत मौजूद हैं कि अर्शद शरीफ के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 7 महीनों में क्या हुआ, किन लोगों ने उन्हें धमकियां दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें कीनिया जाने पर मजबूर किया। उन्होंने मजीद कहा था कि अगर चीफ जस्टिस मरहूम सहाफ़ी की वालदा की दरख्वास्त पर कमीशन बनाते हैं तो वो उसके सामने भी सबूत पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। इस्लामाबाद के DIG हेडक्वार्टर अवैस अहमद की सरबराही में बनने वाली टीम में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA और IB के अफसरान जो हैं वो शामिल थे। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कत्ल की तहकीकात के लिए मुराद सईद को भी पूछगछ के लिए बुलाया था, तहम उन्होंने उसके सामने पेश होने से इनकार किया था। 2 रुकनी टीम के रुकन FIA के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद को लिखे गए खत में मुराद सईद ने कहा था कि क्योंकि वो दोनों वजीर दाखिला राना सनाउल्ला को जवाब दे हैं, इसलिए वो आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते। अपने खत में मुराद सईद ने कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्शद शरीफ की वालिदा को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करना पड़ा था। नाज़रीन कराम, अर्शद शरीफ के हवाले से BBC ने भी एक रिपोर्ट शाये की है। ये आखिरी अल्फाज जो हैं वो अर्शद शरीफ के ज़िंदगी के थे कि ये पत्थर यहाँ क्यों रखे हैं, कच्ची पथरीली और धूल मटी से अटी इस वीरान सड़क पर सफ़र के दौरान अर्शद शरीफ के ये आखिरी अल्फाज थे कि ये पत्थर यहाँ क्यों रखे हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक इस सवाल के कुछ देर बाद वो गोली लगने से हलाक हुए थे। पाकिस्तानी सहाफ़ी अर्शद शरीफ 23 अक्टूबर की रात कीनिया के इलाके मकाडी में फायरिंग के एक वाक़े में शहीद हुए थे। उनकी मौत को तकरीबन 2 माह होने को है, मगर पाकिस्तान और कीनिया में जारी इस टारगेटेड कत्ल की तहकीकात के नतीजे में सामने आने वाली मालूमात बज़ाहिर इस केस को मज़ीद पेचीदा और गंभीर बना रही हैं। नाज़रीन कराम, BBC की टीम ने अर्शद शरीफ की वालिदा से एक तवील मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्शद शरीफ को तवील अरसे से धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों का सिलसिला इस कदर बढ़ चुका है था कि उन्हें कुछ अरसे तक अपना फ़ोन तक बंद रखना पड़ा। काफ़ी अरसे से धमकियां मिल रही थी और हम मुहतात भी थे, मगर यह अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस हद तक जा सकता है। लोग उन्हें ये मशवरे भी देते थे कि फ़िलहाल प्रोग्राम छोड़ दो क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं। ये भी धमकी दी गई कि तुम्हारा प्रोग्राम बंद करवा देंगे। फिर एक वक्त आया कि फ़ोन बंद करने पड़े। अभी पता चला होगा कि उनकी कॉल्स टेप हो रही हैं और उन्हें ट्रैक किया जा रहा होगा। सो कुछ अरसे के लिए मोबाइल फ़ोन्स ऑफ कर दिए कि ये सिलसिला शायद थम जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी वालदा के मुताबिक अर्शद शरीफ पर
किसी को खत लिख ने हर किसी को खत लिखे कि उनकी जान को खतरा है, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने उनको तहफ्फुज नहीं दिया। मैं ये नहीं जानती कि उनकी नीयत क्या थी, लेकिन अब हर कोई इस वाक्य को कैश करवा रहा है। मेरा सवाल है कि वो कौन थे जिनके कहने पर अरशे शरीफ के खिलाफ दर्जन भर FIR दर्ज हुई। ये लोग वही हैं जो अरशे शरीफ को खत्म करना चाहते थे। उनकी वालदा का इशारा उन FIR की जानिब है जो सहाफी अरशे शरीफ के खिलाफ उनके पाकिस्तान छोड़ने से कबल मुख्तलिफ शहरों में काटी गई। उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके निजी न्यूज चैनल ARY से उनकी नौकरी तक खत्म की गई। नाज़रीन इकराम, इससे कबल अरशे शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब समझा जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ रवां बरस तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद अरशे शरीफ ने शदीद अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट और सियासत में उनके मुबैना किरदार पर तनकीद शुरू की। जब फौजी क्यादत और इमरान खान के दरमियान बयानिया की जंग शुरू हुई तो अरशे शरीफ इमरान खान के साथ खड़े थे। जब उनका प्रोग्राम बंद हुआ और ARY ने उनसे अलग होने का ऐलान किया तो अरशे शरीफ ने यूट्यूब पे वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया। अपने वीलॉग्स में वो मौजूदा हुकूमत और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ खुलकर बात करते, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और DGISI की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दावा किया गया कि अरशे शरीफ के खिलाफ FIR के इंदराज के बाद उन्हें पाकिस्तान से जाने का मशवरा दिया गया और इस जिमन में इंतजाम ARY न्यूज ने किए, जबकि उन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए पिशावर एयरपोर्ट तक पहुंचाने में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुआवनत की। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक थ्रेट लेटर जारी किया गया जिसमें इस संदेशे का इजहार किया गया कि सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, अब तक की तहकीकात के मुताबिक अरशद शरीफ वकार अहमद के भाई खुरम अहमद के हमरा 22 अक्टूबर की रात नैरोबी से मगादी की जानिब रवाना हुए। मगादी नामा इलाका नैरोबी से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कीनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक है और यहाँ की आबादी 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसी इलाके में वकार अहमद की मलकियती क्वीना एमोडम्प नामी फायरिंग रेंज भी वाक़ है। तकरीबन 2100 एकड़ पर मुहित इस फायरिंग रेंज में स्पोर्ट्स हंटिंग, निशानाबाजी और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं, जबकि यहां कैंपिंग के इंतजाम के अलावा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट भी हैं। अरशद शरीफ 22 अक्टूबर की रात मगाडी में इसी फायरिंग रेंज वाले एरिए पहुंचे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 23 अक्टूबर की सुबह अरशद शरीफ ने वकार अहमद और खुरम अहमद के हमरा नाश्ता किया और अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक दिन का बाकी हिस्सा खुरम अहमद के हमरा गुजारा। उस रात वकार अहमद ने वहां मौजूद अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स के एजाज में एक डिनर का एहतमाम किया और अरशद शरीफ समेत वकार की एहलिया खुरम और उनकी एहलिया जबकि इसके मालिक जमशेद भी इस डिनर में मौजूद थे। खुरम अहमद ने कीनिया में पुलिस हुकाम को बताया कि उस रात अरशद शरीफ के हमरा 8:30 बजे रात डिनर से फारिग हुए और अपनी सफेद रंग की लैंड क्रूजर में नैरोबी की जानिब रवाना हुए। नाज़रीन इकराम, 23 अक्टूबर को जो फायरिंग का वाकया पेश आया उसके हवाले से पुलिस और दीगर हुकाम के बयानात में वाज तजाद है। जब बारीक बीनी से जायजा लें तो पता चलता है कि हर किसी का बयान मुख्तलिफ है। खुरम अहमद के मुताबिक फायरिंग 9:30 पर हुई। उनके भाई वकार अहमद के मुताबिक खुरम ने उन्हें 9:20 पर एक फ़ोन कॉल के जरिए फायरिंग की इत्तला दी। JSU के मुताबिक फायरिंग 9:45 पर हुई, जबकि तहकीकात करने वाले एक पुलिस अफसर के मुताबिक उन्हें 9:36 पर फ़ोन करके बताया गया कि मगाडी में फायरिंग का वाकया पेश आया है। जबकि वहां पर मौजूद आम लोगों के मुताबिक उनका कहना है कि उस रात उन्होंने रात 10:30 से 11 बजे के दौरान फायरिंग की आवाज सुनी। ये फायरिंग बस चंद सेकंड्स के लिए हुई। यहां चूंकि फायरिंग रेंज है और यहां पर ट्रेनिंग कैंप है, इसलिए इस फायरिंग को सुनने के लोग आदी हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई कान नहीं धरे गए। फिर इस कहानी के अंदर एक लेकी नामी शख्स का किरदार जो है वो बड़ा अहम है और कहा जाता है कि इस लेकी नामी शख्स ने अरशद शरीफ को जो है वो निशाना बनाया और शहीद किया। जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर
गोलियां चलने के हवाले से भी मुख्तलिफ और मुतजाद बयानात बीबीसी ने बयान किए हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।